हजारीबाग झील परिसर और उसके आसपास शाम होते ही युवक के कुछ ग्रुप छेड़खानी और आती जाती महिलाओं पर फत्ते या कसने में लग जाते हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों और मनचले युवकों से परिवार के लोग परेशान हैं। यह सब तब हो रहा है जब परिसर के इर्द गिर्द प्रशासन और पुलिस विभाग के वरीय अधिकारियों के आवास है। खासकर रविवार और सोमवार को मनचले युवक यहाँ अधिक दिखते हैं। पार्क के बाहर और अंदर भी उनका दुशासन चलता रहता है। लोगों का कहना है कि झील परिसर जिस भी थाने के अंतर्गत है, उस थाने के पुलिस कर्मियों को पार्क के बाहर और पार्क के अंदर देखरेख करना आदि आवश्यक है, तभी असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगना बंद हो पाएगा। हजारीबाग से सोनू केसरी की रिपोर्ट। चार दिनों से लगातार शिकायत मिल रहा है कि झील के परिसर में आए दिन कुछ असामाजिक व्यक्ति और कुछ लड़के छेड़खानी करते हैं। ये जिला प्रशासन को समय एक तरफ से चुनौती भी देते हैं शायद लोग, अच्छी बात नहीं है। तो हम थाना जो इनके अंडर में जो भी थाना आता है उन थाना से भी गुजारिश करते हैं थोड़ा तो प्रशासन यहाँ पर ही नियुक्तिकरण किया जाए। ये कहाँ पर होती है झील परिसर में, कहाँ पर होती है? सर तो बाहर से लेकर अंदर तक होती है, मैंने बाहर से अंदर तक मैंने क्या कैफेटेरिया के बाहर बाहर भी होती है और कुछ मंत्री लोग अंदर भी घुस जाते हैं। कहाँ? अंदर पार्क है वहाँ घुस जाते हैं। कैफेटेरिया के अंदर पार्क में भी चले जाते हैं जो कि महिलाओं के साथ साथ छेड़खानी करते हैं। जब हाँ? महिलाओं जब उग्र उग्र हो जाते हैं तो लोग भाग जाते हैं। अच्छा, कमेंट बाजी वगैरह भी होते रहती है। हमारा महिला का ही दो महिला कल हमारे पास आकर शिकायत की घर में, भैया हम गए थे झील हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग कमेंट किए तो खराब लगा। थोड़ी चेक आए झील आए तो वाकई में देखे लोग यहाँ पर ही गुट बना के लोग सब छेड़खानी कमेंट करते रहते हैं। तो जिला प्रशासन सब क्या कुछ चाहते हैं? जिला प्रशासन यही चाहेंगे कि इसमें प्रशासन की नियुक्ति किया जाए अंदर भी और बाहर भी, ताकि ये हो सकता है कल के डेट में कुछ बड़े घटना भी हो सकते हैं, मतलब बड़ी घटना को अंजाम ना दी जाए। अभी छोटा ही मैंने छोटा मोटा जो ये सब हो रहा है उसी को लेकर ही प्रशासन में अंकुश लगाए जो कि बड़ा घटना ना हो पाए, है ना? क्या कुछ परिचय हुआ आपका? राजेश कुमार गुप्ता, मेरी फुटपाथ संघ अध्यक्ष, टीवीसी मेंबर नगर निगम।